जो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं, हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनीय हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। बुलंदशहर के छतारी में मीडिया से बातचीत के दौरान लव जिहाद को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने इशारों इशारों में कहा कि जो बहन है ये कहती है कि हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, तो एक दिन उनका हाल भी श्रद्धा जैसा ही होगा। भारत की बेटी को समझना पड़ेगा और उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। एक बार हमने सावधान किया, हम भारत की भारत ये बहनों को बेटियों को सावधान करेंगे। स्वधर्म में निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का सूत्र था, तिल के तेल का कनिस्तर में हाथ डुबो देना, फिर तिल के बोरा में हाथ लगा देना, जितना तिल आपके हाथ में चिबक जावे उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने बाप की सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। जो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं, हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनीय हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी, ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनीय बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। जो लोग लव जिहाद या विशेष समुदाय के लड़के से किए गए प्यार को सही बताते हैं उनके हिंदू होने पर भी शक होता है। उन पर हिंदू होने पर, उनके हिंदू कहलाने पर, हमें तो शंका भी हो रही उनके हिंदू कहलाने पर। धर्म निरपेक्ष ना सही है और ना गलत है, दोनों परिस्थितियों के अनुसार है। दुनिया में धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी तो सब पंथ और मजहब है। भारत विविधता का देश है, विभिन्न धर्म संप्रदाय इस देश, धर्म तो एक ही है, बाकी तो पंथ और मजहब है। आपकी भूल बहुत बड़ी है जी, धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब हैं, न कोई दूसरा धर्म आज तक हुआ, और कभी भी दो धर्मों में लड़ाई जिंदगी में कभी हुई नहीं। भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास में दो धर्मों में लड़ाई कभी हुई नहीं, हमेशा लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने अपनी जान को खतरा भी बताया और कहा कि मेरे खिलाफ देश और विदेश में साजिश रची जा रही है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं, बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं, उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये ना समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है, और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की, पर आज करते हैं। जब कल हमने अपने अंतरंग, फिर आप कल के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियाँ थी, दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए। तो हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं, सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है, इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं, आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं, और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत जगाई है, तो प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए, हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है। बिट्टा जी के आने से मुझे बहुत बल मिला है, साथ ही अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सरकार का विषय है, मेरे खिलाफ देश और विदेश में फंडिंग चल रही है। बहुत बल मिला है, बिट्टा जी एक जीवित शहीद है, बहुत पावरफुल आदमी। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, वो उनको खबर लगी ना, हम आपको बता रहे हैं, उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी, आपके साथ वो ताना वाना नहीं है जो उनके साथ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे आप बोलते हैं? डरते तो हम कभी किसी से नहीं है। अच्छा। डर तो हमारे अंदर बिल्कुल, हम बेबाक आदमी है, डरना क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, लेकिन षड्यंत्र में फंस सकते हैं। यस, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चाएं आई, यहाँ से भी आई है, तो हमें उससे डरना नहीं, हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो, और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है, ये चर्चा हम अपनी अंतर मन की, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है, इसमें किंच बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है। बुलंदशहर से टाइम्स 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।